ये रैबिट, ये रैबिट, ये मॉर्निंग ये पर गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 10:30। नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, हेयर वॉश किया है क्योंकि बैचेस लगते हैं तो उसकी वजह से जो स्वेटिंग होती है तो बाल बहुत चिपचिप हो जाते हैं। और रूम वगैरह आज कुछ भी क्लियर उतना नहीं हो पाया है क्योंकि होता है आज फ्राइडे, फ्राइडे पे ना फ्राइडे को जैसे कपड़े वाले वो आते हैं भैया, तो उसकी वजह से कपड़ा इतना होता है तो वही रूम वूम नहीं क्लीन हो पाता उस दिन। रूम क्लीन करूँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी। अभी तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस से अपना काम करूँगी, वही सब आर्ट एंड क्राफ्ट का। एंड फिलहाल तो चलते हैं नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते में आज बना है पोहा। गाइस ये बैठी है नानी, नानी कहो हेलो गाइस। और बस नाश्ता करने बैठी, फास्ट तो मैं कर चुकी हूँ और अभी वापस चलती हूँ डाइनिंग हॉल एरिया में। डाइनिंग हॉल एरिया में आपको हर समय जाना पहचाना लगता होगा क्योंकि मैं मोस्टली यहाँ पर आती रहती हूँ सामान लेने के लिए। तो फिलहाल तो सामान लेती हूँ और फिर वापस चलती हैं। आज हम लोग थोड़ा सा दिए स्टार्ट करेंगे बनाने, हालांकि दिए हम लोगों पे नहीं है क्योंकि दिए अभी यहाँ पे चंदौती में है नहीं है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है। तो अभी जो जो सामान मुझे बनाना है जस्ट लाइक द हाई उसके लिए दियो के लिए वो मैं ले लेती हूँ यहाँ से। तो ये लिया, अभी बज रहे हैं 1 और अभी जो वर्क था वो अभी रोक दिया मैंने क्योंकि लंच टाइम हो गया। अब किचन में जा रही हूँ एंड किचन में जाकर फिर मैं जो हूँ लंच वगैरह रेडी करती हूँ क्योंकि गोलू भी आने वाला होगा। बस हम लोग गोलू के आने से पहले पहले जो है सारा काम जो है ख़त्म कर देते हैं। तो गाइज अभी मैं किचन में रहती हूँ एंड गोलू का भी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि आने ही वाला होगा। गाइज अभी फ़िलहाल तो लंच मैं कर चुकी हूँ और गोलू पढ़ते पढ़ते सो गया है। गोलू मुन्नू आ रही है बेटे, क्यों थोड़ा सा रिलैक्स, आराम से हो, नीचे लेटो। स्कूल से आके फ्री फायर खेलना है, मैं उस टाइम बोलती हूँ कि बेटा इस टाइम रेस्ट कर लो, एटलीस्ट इस टाइम रेस्ट कर लोगे तो मैं पढ़ा तो लूँगी नहीं, उस टाइम तो फ्री फायर खेलना है। 1:30 बजे आता है, 1:30 बजे से इसने आराम से जो है 2:30-3 तक तो फ़ोन चलाया, उसके बाद अब पढ़ने के टाइम पे ये सो गया। अब इसे 4 बजे अपने बच्चों के साथ ही लेकर बैठूंगी मैं। अभी फ़िलहाल तो बज रहे हैं 4 एंड मेरे बच्चों का टाइम हो चुका है, गोलू सो रहा है दीदी। और अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ बस ड्राइंग रूम में चल रही हूँ और उसके बाद बैच लगाना है एंड देन डांस का बैच लगाना है, फिर वापस अपने रूम में आ जाऊँगी। गाइस अभी मैं जो हूँ बैच वैच पढ़ा कर तो सब आ गई थी, भूत आ गया, बारिश हो रही है और सोच रहे हैं हम लोग कि हम लोग घूमने जाएं वो भी कार में। तो अभी जो हूँ मैं बस छाता ढूंढ रही हूँ। अगर आपको हमारी कार का नाम बताए तो नाम लिखिएगा, कार का है नाम। चलो बड़े बच्चे बारिश में बाहर नहीं जाते हैं। तो गाइस प्लान कैंसिल, बाहर हम लोग पहुंचे और इतनी तेज बिजली कड़क रही थी ना तो हम लोग वापस डर के हमारे अंदर आ गए, हम घर में ही बैठेंगे। अभी तो बज रहे हैं 9:30 एंड गोलू का कल है क्राफ्ट का एग्जाम, तो अभी गोलू जो है अपनी क्राफ्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। और ऐसा हमारे टाइम पे इतना भी टफ नहीं आता था यार, इसके टाइम पे तो इतना टफ टफ दे रहे हैं, मतलब इसको सेंटा क्लॉज की प्रैक्टिस करनी है एंड पैरट, रैबिट और हैंड फैन, चार चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली मैं। और मैं भी मुझसे भी थोड़ा सा चूक, मतलब मैं चूक गई उस तरीके से, मुझे लगा हल्का फुल्का होगा, मैंने लास्ट मोमेंट पे बुक खोल कर सिलेबस देखा क्राफ्ट का। मैं मुझसे कह रहा था मम्मी मुझे क्राफ्ट का, तो मैं कुछ नहीं होगा क्राफ्ट में 2 मिनट करवा दूंगी, कुछ नहीं होगा क्राफ्ट में 2 मिनट में करवा दूंगा। हम आधा घंटे से बना रहे हैं, पर हमने 2 चीज़ें बना ली। सेंटा क्लॉज थोड़ा सा टफ लगा, अदरवाइज पैरेट बहुत ईजी था, हैंड फैन बहुत ईजी था। अब ये था 4 में से ना एटलीस्ट 3 चीज़ तो मैं इसको करवा दूँ कि अगर 2 चीज़ों का ऑप्शन आता तो एक ही बना ले। तो अभी मैं फिर से प्रैक्टिस करती, फिर सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। गाइस अभी फिलहाल से टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं एंड जो है गोलू ने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी क्राफ्ट में। तो क्योंकि कोशिश रहती है कि गोल, क्योंकि ना
होता क्या है, जब बच्चों के मार्क्स सिमिलर होते हैं, मींस को दो कॉम्पिटिटर्स मिल जाए, उनके मार्क्स अगर सिमिलर होते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा होता है जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन डिसाइड करता है। तो गोलू नहीं चाहता कि मतलब मेरे जो है इवन क्राफ्ट में भी ग्रेड की वजह से मैं सेकंड से चूकूँ। तो वैसे तो हार जीत लगी रहती है, बट मेहनत तो अच्छी बातें करता है गोलू। तो गोलू ने इतनी सारी प्रैक्टिस करी है कि उसने ना मतलब उसने कहा मम्मी मेरे को क्राफ्ट पेपर्स का पैकेट दे दो, मैंने दे दिया क्राफ्ट पेपर की। मैं इस टाइम जो है देखो ये उसने सभी प्रैक्टिस करी है, उसने क्राफ्ट पेपर की हेल्प से इतनी सारे बार मतलब इतने बार बना बना के देखा है कि मैं वहाँ गलत नहीं करूँगा। दो तीन तो ऐसे हुए, कहाँ गिरा, दो तीन तो ऐसे हुए थे कि वो उड़ गया, वो कुछ ले गया। मैं आपको दिखाती हूँ उसने कितनी बार प्रैक्टिस। देखो ये उसने बना के देखा सेंटा क्लॉज का फेस, गोलू आ गया, गोलू मम्मी के रूम में था। और ये भी इसने सेंटा क्लॉज के पैर बनाकर देखे। ये अगेन उसने फेस बना के देखा, ये उसके नीचे का पार्ट था, ये क्या है गोलू, ये भी फेस था, ये पैरट, ये पैरट, ये भी पैरट, ये नहीं, ये पैरट नहीं है, ये क्या है, रैबिट है, ये रैबिट, ये रैबिट, ये पैरट नहीं, ये भी रैबिट, ये नहीं बनी, नहीं ये ऐसे, देखो ये ऐसे, ये ऐसे बन गया, बन गया। मैंने फेविकॉल रख दिया है बेटा, ओके okay? और ये फैन, फैन बट अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ मतलब उससे तुमने प्रैक्टिस कर ली ना, वो रख दी स्टिक्स। हाँ मैंने स्टिक ये सारा, देखो आपने देखा गोलू ने कितने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, ये सारा गोलू का सारा प्रैक्टिस वर्क है। एंड अब गोलू का क्राफ्ट वर्क का जितने भी आइटम्स है स्कूल में जाने के वो तो मैंने सब रख दिया है। और अभी अब गोलू के सिस्टम, गोलू के स्कूल में एक नया सिस्टम चालू हो गया। हमारे टाइम पे तो गोलू मतलब जो हमारा स्कूल था वही अब गोलू का स्कूल है। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम क्या होता था, 11:30 या मैक्स टू मैक्स मतलब आप क्लास वाइज के अकॉर्डिंग आपकी छुट्टी हो जाती थी एग्जाम के बाद। अब आज स्कूल से मैसेज आया है कि गोलू के 6th, 7th, 8th पीरियड जैसे रेगुलर टाइम टेबल लगता है एज पर द डे, उस हिसाब से उसके आपको उसके रिविजन नोटबुक्स इन बुक्स एंड नोटबुक्स वगैरह सब कुछ भेजिए। मतलब गोलू वही आएगा 1:30 बजे, तो 1 to 5 पीरियड से वहाँ 1 to 5 पीरियड से एग्जाम रहेगा और 6 to last पीरियड तक वो रहेगी। क्या अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट्स मतलब वही जो टाइम टेबल के हिसाब से। तो गाइस देखा आपने कि गोलू का जो है वही सिस्टम है जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ गोलू के, गोलू का जो हूँ ये क्या बात है, गोलू का मैं स्कूल बैग लगा। तो गाइस ये सब गोलू का कल इंग्लिश का, जीके का एंड बुक रख दी है थोड़ी सी, और किसका था एक हिंदी का, हिंदी तो मैंने हिंदी का नहीं रखा, हिंदी के बैग, हिंदी का वो हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर रख दो और हिंदी ग्रामर रख दो, हिंदी लिटरेचर की बुक और रिवीजन, हिंदी रिवीजन CW, तो हिंदी ग्रामर। एक बार मैं चेक कर लूँ टाइम टेबल। हाँ चेक कर लो। एक तो लाइब्रेरी का है तो मैं अभी फिलहाल लगा रही हूँ गोलू के बैग। हाँ तीन पीरियड है लेकिन वही है ना मैम, इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड, हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड भी करा सकती है ना। ये रिवीजन नोटबुक है गोलू, ठीक है ओके। और ये तुम्हारी किट है एंड ये पैड, तुम्हारा पैड नया आएगा नीचे। अरे यार बच्चों वाला रख देती हो यार, ये ठीक है। पैड तो एक और रखा था हमारे पास, एक बहुत छोटा भी। फिलहाल तो गोलू का बैग भी लग चुका है, स्केच कलर्स नहीं मिल रहे। एक्चुअली गोलू को कितने भी स्केच कलर दिलवाती हूँ मैं, मतलब इतने बड़े बड़े पैकेट्स दिलवाती हूँ गोलू को, क्योंकि गोलू को ना कलरिंग वगैरह का बहुत शौक है, पर गोलू को कभी नहीं मिलते हैं टाइम पर, लास्ट मोमेंट पे मतलब पैकेट वगैरह लाने पड़ते हैं। तो गोलू के पापा बोले लक्सर का पैकेट ला दो, मैं कहा लक्सर कौन यूज करता है, लक्सर कौन सा है? जो एक सिंपल वाले स्केच दिलवाती है। अरे यार तो मैंने लक्सर का पैकेट कौन यूज करता है। तो गाइस गोलू का बैग वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है एंड कल गोलू का हाफ ईयरली इस स्कूल में फर्स्ट एग्जाम है और गोलू थोड़ा सा नर्वस है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल सुबह बहुत जल्दी उठना है। तो इसके अंदर क्या है, उसमें तुम्हारे ना वो एक चीज आई जिसमें वो था कलर वगैरह। हाँ।
कौन सामान इसमें डाल देती हूं ना मैं सारा। मैं घुसू के अंदर? मैं घुस जाऊंगा। चूहा वगैरह ऐसे थोड़ी होगा। नहीं नहीं चलो बेटा। आपने किधर रखे थे पता ही नहीं मुझे, ऐसे याद नहीं है बेटा। चलो उधर होंगे ना। मैं उधर नहीं, उधर उधर है और से खेल लिया। अरे बच्चों वाले बे, अरे तुम्हें नहीं निकाल दिया लड़की वाला सारी, ये मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, फिर जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ मुझे मिलता नहीं है ये। अच्छा है ही नहीं यार। चलो ये पानी I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never lie. Call me when